सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सो आज मैं खड़ा हूँ डिकैथलॉन की मोस्ट डिमांडेड एमटीबी ऑल न्यू रॉक राइडर एसटी 520 के सामने। काफ़ी डीएम्स आ रहे थे मुझे कि यार एसटी 20 पर वीडियो बनाओ, बट बहुत टाइम से डिकैथलॉन में आउट ऑफ स्टॉक थी, तो फाइनली आज आ चुकी है। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, आप में से कोई भी बिटवीन की साइकिल ओन करते हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज डिकैथलॉन की साइकिल्स एंड बहुत सारी एसेसरीज से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। सो देखते हैं, चेकआउट करते हैं पूरी साइकिल को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग विद द साइजेस, बेसिकली आपको इसमें 4 साइजेस अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। अगर बात करें कलर्स की तो ये मेरा फेवरेट कलर। सो आप देख सकते हो दो ही कलर ऑप्शन अवेलेबल है। 27.5 इंचेस का टायर साइज है इसका। सो आप इसके दोनों अवेलेबल कलर्स चेकआउट कर सकते हो एक बार। तो इसमें आपको यूनिसेक्स फ्रेम प्रोवाइड करिए, इसका मतलब ये है कि मैन एज वेल एज वुमेन दोनों इजीली चला सकते हैं। टॉप ट्यूब आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ईजी रहने वाली है राइडिंग में। एंड स्पेशली अगर इस सिर्फ फ्रेम के वेट की बात करें तो वो अराउंड 1.9 केजीज़ है। एंड टोटल साइकिल है अराउंड 15 केजीज़ की, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। एमटीबी होते हुए इतने कम वेट है तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है आपको चलाने में, ऑफ रोडिंग करने में। तो स्टार्टिंग विद द टायर साइज, एसटी 520 में 27.5 इंचेस के डबल वॉल रिम्स प्रोवाइड करें। एंड ये डबल वॉल एल्यूमिनियम रिम्स है। 28 स्पोक्स के कारण बहुत ही ये लाइट, स्टीफ एंड ड्यूरेबल बन जाते हैं। बाकी बहुत ही स्टर्डी रहने वाले हैं ये। फ्रंट में आपको क्विक रिलीज प्रोवाइड करा है। एंड ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। यह है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स फॉर पावरफुल ब्रेकिंग। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन, 80mm के मैकेनिकल स्प्रिंग्स फ्रंट सस्पेंशन प्रोवाइड करें, जो कि आप आपके वेट के अकॉर्डिंग यहां से इजीली एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितने इजीली, अभी थोड़े स्टिफ करके रखे तो थोड़े हार्ड चल रहे हैं, आप आपके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। ये MTB के टायर्स है जो कि डिज़ाइन करे गए हैं फॉर ड्राई रोड्स, एंड टर्निंग में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस करने वाले हैं। M साइज़ है, चारों साइज़ मिल जाती है जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर है रॉक राइडर की बैजिंग। अब फाइनली बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो इसमें प्रोवाइड करा है एडजस्टेबल स्टेम के साथ 680mm का एल्यूमिनियम हैंडल बार। एंड यहाँ पर आप टेक्ट्रो के ब्रेक लीवर देख सकते हो, जो कि बहुत ही लाइट एंड इजी टू होल्ड है। ये है श्रैम के क्विक शिफ्टर्स, लेफ्ट में फ्रंट के 3 गियर्स एंड राइट में रियर के 8 गियर्स, मतलब 8x3 24 गियर्स का सिस्टम प्रोवाइड करा है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इसमें आपको एडजस्टेबल स्टेम मिल जाता है, जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है। अब आप मेरा हाथ का पोस्चर ऑब्जर्व करना, देख सकते हो आप हैंडल इतना बड़ा है, उससे मुझे कितना ईजी हो रहा है पकड़ने में, है ना। आपको ये हैंडल बार राइड करने में अलग ही फील देने वाला है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ इस पर क्या कुछ बैजिंग्स मिल जाती है। ऊपर एसटी 520 की, नीचे काफ़ी बढ़िया ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में रॉक राइडर की बैजिंग आप देख सकते हो। बात करते हैं अब इसके सैडल की। तो एसटी 20 में बहुत ही स्पोर्टी एंड कंफर्टेबल सैडल मिलता है। इसे बेसिकली हैमरॉक शेप बोलते हैं, जो कि स्पोर्ट टूरिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। एंड इसमें आपको क्विक रिलीज मिलता है, मतलब विदाउट एनी टूल आप आपके अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हो। रियर में आपको रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड करे एज अ सेफ्टी पर्पस। एंड सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है गाइस, एक बार राइड करके आप जरूर देखना एसटी 520 को। इसमें प्लेटफॉर्म एमटीबी पैडल्स मिलते हैं एंड ग्रिपिंग बेस्ट रहने वाली है, मतलब आपका पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। एंड अगर बाय चांस होता भी है तो इंजरी के चांसेस बहुत ही कम रहने वाले हैं। फ्रंट में ट्रिपल चेन व्हील है, जिसमें शिमानो अल्टस के डीरेलर्स प्रोवाइड करे हैं। एंड रियर में है श्रैम PG 820 कैसेट्स मिलती है। एंड श्रैम X3 रियर डीरेलर्स है, जो प्रोवाइड करे हैं 8 गियर्स को शिफ्ट करने के लिए। एसटी 520 की गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। एंड टायर जैसे फ्रंट में थे, सेम रियर में भी मिलेंगे, स्पेशली MTV के लिए डिज़ाइन करे गए। और रियर में भी आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़, रियर में आपको क्विक रिलीज प्रोवाइड करा है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। 28,000 की साइकिल है, पर एसेसरीज कुछ भी साथ में नहीं आने वाली है। स्टैंड भी एज एन एसेसरी लगा है, जो कि अराउंड 700 रुपीज़ का आएगा। ये हाइट इंक्रीज करने वाला है। इसमें आपको शॉक एब्जॉर्बर वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बार कोड मिल जाता है, डिकैथलॉन की ऐप से आप स्कैन करोगे तो सीधे आपकी पेमेंट यहीं से हो जाएगी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोविज़न भी देकर रखा है रियर कैरियर लगाने के लिए। सो करंटली आई एम राइडिंग एसटी 520 एंड बिलीव मी गाइस, बहुत ही स्मूथ है चलने में। इसकी गियर शिफ्टिंग इतनी इफेक्टिवली वर्क कर रही है, टायर्स की ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है सरफेस पर। आप मेरी पैडल की शिफ्टिंग देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ है। 680mm का हैंडल बार है, जिससे आपको ऑफ रोडिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑलराइट गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्राइस तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है, 28,000 की विदाउट एसेसरीज। जो भी नीडेड एसेसरीज आपको लगवानी है, उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ एसेसरीज पर, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। कौन सा भी कंटेंट डिकैथलॉन से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।